सिंधिया भोपाल पहुंच गए हैं और इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया की मुलाकात चल रही है। सीएम हाउस में दोनों नेताओं की बैठक चल रही है। थोड़ी देर में गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भी सांसद सिंधिया मुलाकात करेंगे। इसके बाद सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के घर वो डिनर करेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा से भी मुलाकात करेंगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंच गए हैं। सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात इस वक्त सीएम हाउस में चल रही है। पंद्रह दिन में सर दूसरा दौरा तो मैं तो अरे दूसरा दौरा मतलब दूसरा दौरा भोपाल का नहीं है। मैं करीब करीब 11 जिलों का दौरा ख़त्म करके आ रहा हूँ। पहले दौरे में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, भोपाल का मेरा दौरा रहा। अभी मेरा ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा करके मैं अब भोपाल पहुँचा हूँ। मेरा निरंतर दौरा होता है। आप तो मुझे अब 20 साल से जानते हो भाई। सर क्या आप बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे तो क्या राजनीतिक चर्चाएं हो सकती हैं? नहीं, हम लोगों की चर्चा राजनीतिक चर्चाएं हैं कि कैसे पार्टी को मजबूत करें, किस आधार पर आगे अभियान हम लोगों को चलाना है। हर चीज़ को आप पद और कुर्सी के साथ मत जोड़ो, पार्टी के संगठन को हमें बढ़ाना है। मैं आम कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का और आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और इस दिवस से जो हम संकल्प लेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, उसे हम आगे बढ़ाएंगे उस संकल्प लेकर। यही हमारी सोच है। सर महा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है और मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है पूरे देश में। मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक कीर्तिमान स्थापित की है। एक दिवस में करीब करीब 17 लाख वैक्सीन लगी हैं और एक दिवस में पूरे राष्ट्र में 80 लाख वैक्सीन लगी हैं और उसका भाग मध्य प्रदेश का 20% से ज़्यादा है। तो शिवराज सिंह जी को, प्रशासन को और प्रदेश की जनता को मैं अपने तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। सर आखिरी सवाल, कांग्रेस भी समर्थन कर रही सर? थैंक यू। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जिन्होंने बोला कि मायने नहीं निकालने चाहिए, राजनीतिक जो लोग हैं उनसे चर्चाएं करने वो लगातार आते रहे हैं, ऐसा नहीं कि 15 दिन में दूसरा दौरा है, वो लगातार मध्य प्रदेश आते रहते हैं और उन्होंने वैक्सीनेशन अभियान को लेकर भी कहा कि मध्य प्रदेश में जो वहाँ वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है उसमें देश भर में रिकॉर्ड बना है, वो काफ़ी अच्छा है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि कोरोना से हम जो जंग लड़ रहे हैं उसे जीत